Hi student, good morning. I think you are safe at your home and fine also. Okay, today we are going to start our topic central government. Central government. So first of all, what is government? Government hoti kya hai? And why we need government? Government ki hame jarurat kyon hai? Government means the system. ए सिस्टम विच मेक्स लॉज फॉर अस, विच मेक्स जो हमारे लिए पीपल्स के लिए लॉज बनाती है. एक स्टेट, स्टेट मीन्स ए अब्स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट, एक अब्स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हमें ये तो पता है कि स्टेट है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते. फिर हमें ये पता है जयपुर है, जयपुर की लोकेशन वगैरह है, लेकिन राजस्थान, इंडिया, इंडिया मतलब ऑल ओवर ऑल द स्टेट्स आर नॉन एज इंडिया. ठीक है, एंड वी रन फ्रॉम फॉर इंडिया, वी नीड ए गवर्नमेंट. हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, और गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एग्जीक्यूट द लॉज फॉर द पीपल, इवन इट पनिश द पीपल वेन एवर वी डू नॉट ऑबे द लॉज. कई बार हम लॉज को ऑबे भी नहीं करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पनिशमेंट के लिए भी सिस्टम बनाया हुआ है. ठीक है, द मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. सो वी हियर वी डिस्कस्ड अबाउट द मेजर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. हियर थ्री पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर. सेकेंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव. एंड थर्ड जुडिशरी. थर्ड पार्ट इज जुडिशरी. यस, गवर्नमेंट हैव थ्री पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर इट इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. के गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वी स्टडीड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, वी हैव इन इंडिया वी हैव फेडरेशन सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. इन टुडेज लेक्चर, इन दिस चैप्टर, वी स्टडीड अबाउट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज लेजिस्लेचर. फर्स्ट पार्ट इज अपना फर्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट. लास्ट पार्ट जो है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर. ओके, लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लेजिस्लेचर क्या है? यूनियन लेजिस्लेचर भी है और स्टेट लेजिस्लेचर भी है. क्योंकि हम, मैंने पहले भी बताया आपको कि हमने गवर्नमेंट को स्टेट, फेडरेशन सिस्टम है, फेडरेशन सिस्टम मीन्स गवर्नमेंट को डिवाइड किया है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्ड देयर पावर विद स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को स्टेट के साथ शेयर की है. तो सेम सिस्टम हमारा, जो यूनियन गवर्नमेंट का सिस्टम है, सेम सिस्टम हमारा स्टेट का सिस्टम है. इसलिए लेजिस्लेचर डिवाइडेड इंटू यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनियन लेजिस्लेचर. हम लोग इस चैप्टर में यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, इन आर्टिकल 79, आर्टिकल 79, ओके, वी हैव इस कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट. ओके, इन आर्टिकल 79, एक्ट 79, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव the system of parliament. Now what is parliament? Parliament क्या है?
एंड फ्रॉम वेयर वी अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट. हमने पार्लियामेंट, हमारा पूरा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्ट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फंडामेंटल राइट्स है. तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया है? ब्रिटिश से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंचुरीज यहाँ पर रूल किया है, 200 ईयर्स तक. तो हमने धीरे धीरे उनके सिस्टम को समझना स्टार्ट किया, जो हमने उनके सिस्टम में जो हमें बेस्ट लगा उसको अडॉप्ट किया. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश कंट्री, ब्रिटिश से अडॉप्ट किया. पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट मीन्स ए कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट. इट इज द कंबाइंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा. पार्लियामेंट मीन्स, पार्लियामेंट क्या है, कौन सा संगठन है या क्या है? तो पार्लियामेंट मीन्स प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. हमारे मेन टॉपिक यही रहेंगे, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. सो प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री. प्रेसिडेंट जो है हमारे कंट्री का फर्स्ट पर्सन होता है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79, वी हैव द पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम इलेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. पार्लियामेंट मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल विच इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. सो इन टूडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट लोक सभा, स्ट्रक्चर ऑफ लोक सभा एंड स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा. यस, लोकसभा, लोकसभा इज द अपर फर्स्ट एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. फर्स्ट लोकसभा, लोकसभा, इट इज फर्स्ट बट लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा फर्स्ट हाउस तो है एंड इट इज द पावरफुल हाउस ऑल्सो. पावरफुल भी है लेकिन लोअर हाउस है. क्यों? इट इज फर्स्ट हाउस बट लोअर हाउस, पावरफुल हाउस बिकॉज ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट आफ्टर 5 ईयर्स लोकसभा डिसॉल्व कंप्लीटली. लोकसभा पावरफुल है, फर्स्ट हाउस है, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. हम लोग जो है, पीपल जो है, इंडियन पीपल्स जो है, डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं. लेकिन टेन्यूर ऑफ लोकसभा इज ओनली 5 ईयर्स. लोकसभा का जो टेन्यूर है सिर्फ 5 ईयर्स है. आफ्टर 5 ईयर्स इट कंप्लीटली डिसॉल्व. एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस. राज्यसभा अपर हाउस, सेकंड हाउस, ओके, नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन लोकसभा बट इट इज अपर हाउस. लोकसभा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड हाउस है, लेकिन फिर भी अपर हाउस है. क्यों है? क्योंकि लोक राज्यसभा का जो टेन्यूर है 6 ईयर का है, ये परमानेंट होता है. ओके, इट इज परमानेंट, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व आफ्टर 6 ईयर. ये 6 ईयर के बाद डिसॉल्व नहीं होता है. क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, क्या प्रोसेस है, वो हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्ट्रक्चर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसकी स्टडी करेंगे.
कि लोकसभा में क्या क्या नेसेसरी थिंग्स हमने डाली है. इट इज फर्स्ट हाउस, इम्पॉर्टेंट हाउस बट लोअर हाउस. ये पार्लियामेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है, लोअर हाउस है, ठीक है, फर्स्ट हाउस है. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर. अब लोकसभा हमने क्रिएट की है, बनाई है, तो सबसे पहले उसके नंबर कितने होने चाहिए. हाँ, कहां से वो मेंबर आते हैं. मैंने कहा कि लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं. कौन उनको इलेक्ट करता है, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मैनी टोटल मेंबर इन लोकसभा, लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं. फर्स्ट, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड, ओके, 550 टोटल मेंबर इन लोकसभा. ओके, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टोटल मेंबर इज 552, बट इट कैन बी चेंज टाइम टू टाइम एंड इन नेसेसरी. जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम इसके मेंबर को चेंज कर सकते हैं. एट प्रेजेंट वी हैव 552 मेंबर्स. आज के टाइम में हमारे यहाँ लोकसभा के पास 552 मेंबर्स है. 530 मेंबर्स इलेक्टेड बाय स्टेट, इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, एंड 2 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. ओके, टोटल मेंबर, ओरिजिनल जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो कितने हैं, 550. उसके लिए लोकसभा के मेंबर के लिए नंबर ऑफ मेंबर अपना फर्स्ट पॉइंट है. नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर द लोकसभा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 550. एट प्रेजेंट वी हैव 552 मेंबर इन लोकसभा. और वो कहां से आ रहे हैं, 530 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स. अवर इंडिया डिवाइडेड इनटू स्टेट, एंड हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वी हैव. At present we have 28 state and 9 union territories. लेकिन ये अभी फिलहाल ही हुआ है, जब ये member थे तब हमारे पास 29 state and 7 union territories थी, ठीक है. तो 530 members state. State को एक small constituencies में divide किया जाता है. Each constituencies, 1 MPs are elected for Lok Sabha. हर constituency लोकसभा के लिए इलेक्ट होके आता है, ठीक है. सेकंड, यूनियन टेरिटरीज, वी हैव 7 एट प्रेजेंट, 9 यूनियन टेरिटरीज आल्सो. सो 20 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. जब स्टेट से मेंबर आएंगे तो हम यूनियन टेरिटरीज को भी नहीं छोड़ सकते. तो 520 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है. 2 मेंबर्स जो है इसको प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा के लिए, प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन जो है, इलेक्टोरल पावर जो है वो राज्यसभा के लिए भी है, पर वो डिफरेंट है. उसमें नंबर ऑफ एमपीज आर मोर देन लोकसभा. उसमें एमपीज का जो नंबर है वो लोकसभा से ज्यादा है, पर हम लोग लोकसभा की बात करें तो 2 मेंबर जो है प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन पीपल, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उनसे नॉमिनेट करता है. इनका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनको पीपल इलेक्ट नहीं करते. सिर्फ 550 मेंबर्स इलेक्टेड बाय पीपल्स फ्रॉम लोकसभा, फॉर लोकसभा. सेकंड पॉइंट, इलेक्शन प्रोसेस. ओके, क्लियर, नंबर ऑफ मेंबर. अवर सेकंड पॉइंट, इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है. हमने टोटल नंबर का पता लगा लिया कि हमारे पास टोटल नंबर ये होता है, ठीक है. ये जो पर्सन कहाँ से आ रहे हैं,
है स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरीज से एंड टू मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन बाय नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. नाउ सेकंड पॉइंट इज इलेक्शन प्रोसेस. इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इनका? क्या ये डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं या फिर कुछ पर्सन जो है इसके इलेक्टोरल बोर्ड में शामिल होते हैं या फिर नॉमिनेट किए जाते हैं? मैंने पहले भी बताया है कि लोकसभा को फर्स्ट हाउस इंपॉर्टेंट हाउस इसीलिए किए जाते हैं. सो इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? यूनिवर्स ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल इवन फ्रॉम विलेज ऑल्सो. हर विलेज को इसमें इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, पूरे कंट्री को, ऑल ओवर कंट्री को कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर वो किसी भी पार्टी से बिलोंग कर सकता है. हर पार्टी से पर्सन इलेक्शन फाइट करता है और जो विनर होता है वो एमपी के लिए लोकसभा का मेंबर बनता है. तो इलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन. ओके, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल. ओके, बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंसिस. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. ओके, हर पर्सन की अपनी वोट की वैल्यू है. वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. आइदर ही और सी इज प्राइम मिनिस्टर और ही और सी इज ए कॉमन मैन और फार्मर, नो मैटर. ओके, सो इलेक्शन प्रोसेस इज डायरेक्ट इलेक्शन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंसिस. थर्ड, एलिजिबिलिटी. अपना थर्ड पॉइंट है एलिजिबिलिटी. Eligibility, it means qualification. Qualification. अब किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है. ऐसा ही थोड़ी है कि हम लोग किसी भी के लिए, और ये तो लोकसभा के मेंबर, एक कंट्री को गवर्न करना है उसके हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए क्वालिफिकेशन, कुछ ना कुछ उसके लिए एलिजिबिलिटी की जरूरत होती है. ऐसे ही थोड़ी है कोई भी पर्सन है जाके खड़ा हो गया और उसको लोकसभा का एमपी बना दिया गया, लोकसभा का मेंबर उसको इलेक्ट कर लिया गया. नहीं, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ योग्यताएं जरूरी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी या इट मस्ट बी इंडियन सिटीजनशिप. इंडियन, ठीक है, सबसे पहले उसका इंडियन होना जरूरी है. सेकेंड, अब इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है या एक 20 साल का पर्सन है, एक एज जो होती है वो भी इसमें रिक्वायर्ड होती है. सो एज शुड बी 25 इयर्स. फर्स्ट, इंडियन होना बहुत जरूरी. सेकंड, एज 25 इयर्स एज. ओके, इट शुड नॉट बी एनी प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल जॉब. किसी भी गवर्नमेंट जॉब का मेंबर लोकसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता. ओके, अगर कोई भी पर्सन इलेक्शन वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट लेना होगा, उसके बाद ही वो लोकसभा का इलेक्शन फाइट कर सकता है. ठीक है, तो नॉट बी एनी प्रॉफिटेबल जॉब. Profitable job, it should not be bankrupt and not should be declared unsound mind. Bankrupt नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए and it should not be a declared unsound mind. कोई भी पागल, दिवालिया, कि उसका mind ही work नहीं कर रहा है, लोकसभा का member हमने choose कर लिया, वो हमारे लिए क्या work करेगा? ठीक है, तो first it should be Indian citizenship, it should cross 25 years of age, not, it must not be any profitable job and not should be declared unsound mind and bankrupt. Okay, वो किसी भी तरह से bankrupt नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, कि उसके पास कुछ भी नहीं है, दिवालिया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. Unsound ही काम
काम नहीं कर रहा है, पागल है और लोकसभा के इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, ठीक है भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी ब्रिटिश पर्सन यहाँ के लोकसभा के लिए इलेक्शन फाइट कर रहा हो। तो ये क्या होती है, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, एज ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑफ 25 इंडियन, ओके आई थिंक इलेक्शन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस आर क्लियर ऑफ दैट। थर्ड पॉइंट, यस सेशन, फोर्थ पॉइंट इज सेशन, सेशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सेशन, इट इज डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट, लोकसभा का जो सेशन है, बट इट शुड नॉट बी गैप मोर देन 6 ईयर। हालांकि ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट जो है ठीक है कभी भी लोकसभा का सेशन जो है बुला सकता है, लेकिन ये 6 मंथ के गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक सेशन होने के बाद सेकंड जो सेशन हो रहा है उसमें 6 मंथ का गैप से ज्यादा नहीं हो जाए, इट शुड नॉट बी गैप मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर ड्यूरेशन 6 मंथ दूसरा जो सेशन है लोकसभा का होना ही। अवर फोर्थ इज सिक्स, फिफ्थ पॉइंट इज ऑफिस बियरर, ऑफिस बियरर, ओके अब लोकसभा है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस बियरर भी होंगे, सो वी हैव टू ऑफिस बियरर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, टू इंपॉर्टेंट ऑफिस बियरर फॉर लोकसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। हु इज स्पीकर एंड हु इज डिप्टी स्पीकर, फ्रॉम वेयर दे इलेक्टेड, द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड स्पीकर अमंग देम सेल्व्स, अपने में से जो 550 होके लोकसभा इलेक्ट करते हैं एंड एक डिप्टी स्पीकर, जैसे किसी क्लास में होता है, हम किसी क्लास में डेकोरम बनाने के, डिसिप्लिन बनाने के लिए एक मॉनिटर को चूज करते हैं, कभी मॉनिटर अब्सेंट हो उसके लिए हम लोग सेकंड मॉनिटर बनाते हैं, एटलीस्ट 2 मॉनिटर्स हम लोग क्लास में बनाते हैं। सेम वैसे ही लोकसभा में भी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दे चूज अमंग देमसेल्व्स, अपने में ही किसी को, कोई बाहर से किसी पर्सन को स्पीकर नहीं बनाया जाता, अपने में से ही किसी को वो एक स्पीकर इलेक्ट करते हैं एंड डिप्टी स्पीकर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ये एक स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, दे कैन रिमूव फ्रॉम द सीट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि 5 ईयर्स के लिए अगर उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चूज कर लिया है, बना दिया, तो उसको रिमूव नहीं कर सकते। बाय 2/3 मेजोरिटी इन लोकसभा दे कैन रिमूव द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अगर उनको स्पीकर को रिमूव करना है। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ स्पीकर, अगर वो स्पीकर के वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लग रहा है स्पीकर जो है हमारे लिए पार्शलिटी कर रहा है, मैनी रीजंस फॉर देयर, ठीक है वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, कई रीजन हो सकते हैं, तो उसको स्पीकर को उसकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए लोकसभा की मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी नेसेसरी है, 2/3 मेजोरिटी से ही रिमूव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है लोकसभा के 20 मेंबर ने कह दिया, किसी ने कह दिया, उससे नहीं, 2/3 मेजोरिटी से ही लोकसभा के जो भी डिसीजन होते हैं वो ऑलमोस्ट मेजोरिटी से ही लिए जाते हैं, बजट पास करना हो, मनी बिल पास करना हो, कुछ भी डिसीजन, कोई भी लॉज बनाना हो, तो उसके लिए मेजोरिटी इज नेसेसरी। तो स्पीकर को उसकी पोस्ट से रिमूव करने के लिए स्पीक मेजोरिटी, और मेजोरिटी से भी पहले स्पीकर को इज नॉट, स्पीकर मेजोरिटी एग्री है कि उसको रिमूव किया जाना है, ठीक है, तो उससे पहले उसको 14 डेज का नोटिस
दिया जाना चाहिए कि हमने स्पीकर को 14 डेज पहले ही नोटिस दे दिया कि आपको अपने सीट से रिमूव किया जा सकता है, उसके बाद मेजोरिटी से इलेक्शन होता है एंड वी कैन द मेंबर ऑफ लोकसभा कैन रिमूव द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड दे इलेक्ट अनदर पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर. सेकेंड, सिक्स्थ पॉइंट, टेन्यूर. टेन्यूर ऑफ द लोकसभा, कितना टेन्यूर, टाइम पीरियड. ओके, अवर सिक्स्थ पॉइंट इज टेन्यूर. टेन्यूर ऑफ लोकसभा, एक बार कोई भी पर्सन लोकसभा का मेंबर बनता है उसके बाद वो कितने टाइम तक लोकसभा का मेंबर रहता है. ठीक है, फाइव इयर्स, जनरली इट इज फिक्स फॉर फाइव इयर्स. जनरली ये 5 साल तक फिक्स रहता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको 5 साल पहले भी डिसॉल्व कर सकता है. लेकिन ऐसे नहीं, किसी बहुत इमरजेंसी में, और ऐसा 9 times हो भी चुका है. 9 times प्रेसिडेंट ने बिफोर 5 years लोकसभा को डिसॉल्व किया है. जनरली लोकसभा का जो टाइम है, मतलब एक बार एक पर्सन अगर लोकसभा के लिए एमपी बन गया है तो उसका टाइम 5 साल का होता है, और जनरली वो 5 साल तक ही चलता है. आफ्टर 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड. ओके, 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा. ठीक है, लेकिन द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से प्रेसिडेंट इसको बिफोर 5 years, 5 साल से पहले भी इसको डिसॉल्व कर सकता है, और ऐसा 9 times हो भी चुका है. ओके, 9 बार लोकसभा को 5 साल से पहले डिसॉल्व भी किया जा सकता है. जनरली इसका टाइम कितना होता है, 5 साल. एक बार इलेक्शन होने के बाद 5 साल के लिए लोकसभा का मेंबर बनता है. ठीक है, अपने पास 6 point, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा. लोकसभा फर्स्ट हाउस, ओके, लोकसभा हाउस हाउस फर्स्ट, लोकसभा 552, 530 फ्रॉम, 20 मेंबर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 members नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. सेकेंड, इलेक्शन प्रोसेस. व्हाट इज इलेक्शन प्रोसेस? पीपल्स फॉर लोकसभा डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल. मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल. क्वालिफिकेशन, सिटीजनशिप हो, 25 years इज, कोई भी प्रॉफिटेबल जॉब में ना हो, बैंकरप्ट, अनसाउंड माइंड, सेशन मोर नॉट मोर देन 6 years. जनरली सेशन जो है आफ्टर 6 years सेशन लोकसभा का होता है. इट कैन बी प्रिस्क्राइब बाय प्रेसिडेंट बाय द विल ऑफ प्रेसिडेंट. इट डिपेंड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की विल से उसको कभी भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, बट जनरली नॉट मोर देन आफ्टर 6 years. ऑफिस बियरर, स्पीकर, एंड दे कैन रिमूव द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बिफोर देयर टाइम. और क्यों रिमूव किया जा सकता है लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या लोकसभा के किसी भी मेंबर को रिमूव करने की प्रोसेस भी है. लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के बाद उसको उसकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है. क्यों किया जा सकता है? अगर वो 60 डेज तक या तो उसका वर्क जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो, ठीक है, या तो उसका वर्क सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो, या फिर वो 60 डेज तक विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन लोकसभा में प्रेजेंट नहीं हुआ. कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, ठीक है, ना उसने किसी को इन्फॉर्म किया है, ना किसी से परमिशन ली है, ऐसी कंडीशन में भी लोकसभा के मेंबर को उसके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है. ये अपना हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा. ओके, इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा. ओके, टुमारो विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा. ओके, थैंक यू.